क्या दिनंबर 8-2-4 मियां इस्लाम इकबाल जिंदाबाद। इमरान खान हमारे दिल के अंदर है, हमें दिल से बाहर नहीं निकाल सकता। इन्होंने जो कल हरकत की है इन्होंने कि इसका हमें बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला तो हमारे साथ है ना, ये जो मर्जी कर ले पर आना हमारे खान नहीं है। जो रात 12 बजे इलेक्शन कमिश्नर बगैर प्रोटोकॉल अपनी गाड़ी लेके इनके कहने के ऊपर इनके ऑफिस में गया है, ऑल टू ऑल कैंडिडेट हमारे जीत रहे थे, इन्होंने रिजल्ट चेंज किया है। हमारे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं इन्होंने कह दिया कि वो हार गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान। और नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कल इलेक्शन का दिन था, 8 फरवरी थी और बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई। खान साहब अगर जेल के अंदर भी थे लेकिन उनके जो कारकुनान थे सपोर्टर थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है पीटीआई को सपोर्ट किया, पीटीआई को वोट्स दिए और बहुत ज़्यादा जो उन्होंने विन किया। सोशल मीडिया पर पीटीआई की धूम है लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं धांधली की तरफ गामजन हो रहे हैं। तो हमारे साथ पीटीआई के कुछ कारकुनान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे जो आने वाला वक्त है वो कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल वोट देने गए थे आप लोग, कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह वोट देने गए हमें बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन हमें उधर मतलब कुछ सूरत हाल बहुत बुरी लगी। ठीक है, उन्हें धांधली के हवाले से, ठीक है आपने न्यूज़ वगैरह भी देख रहे होंगे, तो हर टिका से रात को अल्हम्दुलिल्लाह हाँ पीटीआई इन हो रही थी तो ये जाके बैठी है कि सीट्स बहुत ज़्यादा थी। रात पीटीआई टॉप ट्रेंडिंग पर थी, कहा जाता है कि खान साहब अगर जेल के अंदर थे तो उनके कारकुनानों ने बाहर बहुत जोश जज्बा दिखाया। रात को मुझे सबसे ज़्यादा दुख है ये कैसरा इलाही की सीट का, 32,000 की लीड मारी थी। सुबह हम सो के उठे हैं तो उम्मीदवार ने 32,000 की लीड मारी है, दूसरे उम्मीदवार ने जो उनका सालिक हुसैन है जो है। इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह हम समझते हैं कि ये रिटर्निंग ऑफिसर जो रिजल्ट नहीं दे रहे थे और जो अपने पोलिंग एजेंट थे उनको मार मार के बाहर निकाल रहे थे, अंदर रिजल्ट खुद थप्पे लगा के बीच में डाल रहे थे। ये बॉक्स सारे बॉक्स इन्होंने खुद भरे हैं। हमने रात को जब विजिट वगैरह की है पोलिंग स्टेशन का, ठीक है हमारे बॉक्स वगैरह खींचे गए हैं, ठीक है हमने लड़ मर के अपने बॉक्स वगैरह वापस लिया, हमने अपना हक वापस लिया, ठीक है। तो हम रात को जब न्यूज़ वगैरह देख रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर सीट से ऊपर जा रहे थे, ठीक है हम जब सुबह उठे हैं तो देखें आपके सामने ही है, हर तरफ से नीचे गिर रहे हैं, ये धांधली वगैरह का कर रहे हैं, ठीक है। आपने टिकटॉक वगैरह पे, ठीक है सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी जो मरियम नवाज के जो वोटिंग वगैरह डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सूरत हाल आपके सामने ही है। अच्छा देखिए क्या जाता है कि पीटीआई रात को बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे थी, 134 सीट्स जो है पीटीआई के अंडर थी लेकिन सुबह 66 कैसे हो? यही बता रहा हूँ कि धांधली, इनका जो लंदन प्लान था इनका, ये रात को 2 बजे के बाद उस पर अमल शुरू हुआ है। ये नू लीग इलेक्शन ही जीती, ये रिजल्ट जीती है नू लीग, सिर्फ इलेक्शन ही जीती, इलेक्शन इमरान खान जीता है और 2/3 मेजोरिटी के साथ जीता है ये। इमरान खान ने सबूत दिया अंदर रहने का, ठीक है आवाम ने इमरान खान साहब के साथ पूरा कंप्रोमाइज़ किया, मोहब्बत का इजहार किया। तो रात को जब हम देख रहे थे हमदा शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा वोटों से हारा था, ठीक है सुबह उठ के देखा तो 2000 लीड से जीत गया, ये कोई लीड नहीं, हम इसको कोई लीड नहीं समझते। हमारे इलाके की पहचान मियां इस्लाम इकबाल साहब है जो बहुत बड़ी लीड से जीते हैं, ठीक है। तो जो मानी जानी शख्सियत हैं, ठीक है जो हर आवाम के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। कहा जाता है कि बल्ले का निशान छीन लिया था, इन्होंने बल्ले का निशान जीना मारे, हम नहीं मारते, ये तांधी हुई है हम नहीं मारते। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, इंशाल्लाह इनको बताएगा ये गंजों का ये स्पून का लगा, इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ है, इंशाल्लाह कोई बात नहीं। बल्ले का निशान भी छीन लिया गया था, धांधली भी होगी, सीट्स भी ले ली गई, तो क्या कहोगे इस बारे में, क्या लगता है कि इमरान खान साहब जेल से वापस आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह वो देंगे हम, इंशाल्लाह हम खान के साथ इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आगे से ज्यादा जोरों के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अगर धांधली हो जाती है पीटीआई के जितने भी कारकुनान है उनको देखा जाए, कल हम सड़कों पे निकलेंगे, हम इत्तेजाद करेंगे, हम हर जगह ब्लॉक करेंगे, अमल रहेंगे इंशाल्लाह और अपना हक लाजमी इनसे लेंगे। हमारे कई कैद वगैरह, ठीक है उन पर हमला वगैरह कतलाना हमला किया गया, कई शहीद वगैरह हुए, अगर हमें इमरान खान के पीछे जान भी देनी पड़ेगी हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। इलेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका खान साहब अंदर? हाँ देखिए बात में पहली बात तो यह है कि हमारे जो है ना इमरान खान साहब वो बेचारे अंदर थे, ठीक है अगर वो बाहर होते ना तो उसकी बात तो होर थी ना, लेकिन एक किस्म की बात है कि वो हमारे वो लीडर है हमारा वो अंदर है, लेकिन बगैर लीडर के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे काफ़ी वोटर हमारे बाहर निकले हैं और उन्हें अच्छा मुकाबला किया और अच्छी सीटें भी ली उन्होंने, यानी कि नहीं लिए। लेकिन एक बात यह है कि इन्होंने जो कल हरकत की है इन्होंने
कि इसका हमें बहुत अफसोस हुआ है कि जो इन्होंने सारा ये नेट वगैरह बंद कर दिया है, उसके बाद ये जो वो वोटिंग थी वो सही नहीं आ रही थी। पहले स्टार्टिंग वोटिंग बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन ये रात के तकरीबन 12 या 2 बजे 2 का टाइम था, उसके बाद ये हमारी वोटिंग काफ़ी कम हो गई है। और इन्होंने काफ़ी बहुत बड़ी इन्होंने धांधली भी की है, और ये हम इनको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला जी, और हम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह, पूरा मुकाबला करेंगे और अपनी जान भी दे देंगे, अपनी जान भी देंगे। और हमारा इमरान खान हमारे दिल के अंदर है, हमें दिल से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वो गंजा भी आ जाएगा ना, वो भी दिल से बाहर नहीं निकाल सकता। और ये हमारा कीदा है हमारा, इंशाल्लाह हम मर जाएंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, लेकिन आँच नहीं होने उसको होने देने के। और ये जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें ये कर लें, लेकिन ये सवाए बेईमानी के, फ्रॉड के, ये नहीं जी सकते ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, कहाँ से लेके आ रहे हैं? हम अपने ऑफिस से। ऑफिस से लेके आ रहे हैं, कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इलेक्शन हुए आप बगैर बल्ले के, बगैर आपके लीडर के आपने इलेक्शन। अल्लाह ताला तो हमारे साथ है ना, ये जो मर्जी कर ले, पर आना हमारे खान नहीं है, बगैर बल्ले के निशान के आजाद उम्मीदवार आप लोगों ने वोटिंग की है, कैसी लगी? और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस जो कल का था वो कैसा लगा? क्या लगता है खान भाई रहेंगे? इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे हम। जी जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और दूसरी बात ये कि रात को जब ये नेटवर्क, जब ये तकरीबन 2 बजे करीब इन्होंने सारा टोटली बंद कर दिया था, और जो रात को उम्मीदवार, जो आजाद इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे वो काफी लीड से आगे जा रहे थे, और सुबह जब हमने देखा तो वो उनकी लीड बहुत नीचे आ गई थी। किस लिए? इलेक्शन का जो वजीर है उन्होंने कहा कि जी अगर ये आपका नेट बंद भी होता है और हमें इसकी परवाह नहीं है, हम इंशाल्लाह आपको पूरा वो करेंगे, गाइड करेंगे। बाद में वो कह रहे जी पूरे पाकिस्तान में ये ख़राब हो गया है। कैसे ख़राब हो गया? मुझे समझ से बाहर आया कि रात को आप 1:30 बजे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रात को 1:30 बजे कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखिए ना, हमारा इमरान खान साहब किसी को पैगाम भी नहीं देते, किसी को कॉल भी नहीं देते, हमारी वाम रोडों पे आ जाती है, कैसे आ जाती है? ये उनकी मोहब्बत है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये कॉलें भी कर लेते हैं, पैगाम भी देते हैं, जलसे भी कर लेते हैं, अवाम सड़कों पर नहीं आती, इनको पता ही करप्ट है, ये खाने वाले हैं। मेरी छोटी बेटी है, ठीक है, मेरी बेटी है तकरीबन 15 साल की, वो यकीन करो उसके लिए नमाज़ें पढ़ी हैं और वो रो पड़ी है कि पापा ये लगता है ये करेंगे, बेईमानी करेंगे। तो मैंने कहा बेटे ये बेईमानी क्या है, ये गपला करेंगे, गपला गपला छोटा ही गपला, बहुत बड़ा गपला करेंगे ये। इतनी ज्यादा वोटिंग हुई अंदर से, पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट पीटे के रोक दिए गए, इसकी वजह तो भाई हमें मारा गया, धमकाया गया, ठीक है, लेकिन हमने डर के मुकाबला किया, हम रिजल्ट ले गए पूरे जोर के साथ, इंशाल्लाह हम वापस आए। लेकिन आजकल हम बॉक्स भी आप जो बताइए, बॉक्स भी उनको उन्होंने तोड़ा गया बस को, और अंदर से बोर्ड काफ़ी गायब किया और सबको आदमी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। कानून यही कहता है कि सबके सामने बोर्ड होना चाहिए, सबके सामने इंसाफ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नून लेके 10 बंदे थे और PDA के 2 बंदे थे, क्यों, किस वजह से? व्यूअर्स अभी आपने देखा कि हम लोग जो है PTA के कुछ कारकुनान के साथ मौजूद थे। ताज़ा वीडियो है ये देखे, मैं कैमरे के सामने ऑन करता हूँ, ये देखें, ये पुलिस वाले देखे क्या कर रहे हैं। इन्होंने कल ये तरीका यूज किया है हमारे, ये जितने भी कैंडिडेट्स थे हमारे, देखे मारा गया, धमकाया गया, लेकिन हमने अब इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, ना हम छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, हम साथ नहीं छोड़ेंगे, जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें। ये बताऊं मरीम नवाज है, वो तो अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत है वो, लेकिन उसको आदमी क्या कहे जी आदमी, लेकिन हर बात पे वो इमरान खान के वो अटैक आती है, हर बात इमरान खान लाने में मरीम नवाज का किरदार है, उसने क्या किया ये अल्लाह पाक बेहतर जाने उसने क्या किया। व्यूअर्स अभी आपने देखा कि हम लोग PTA के कुछ कारकुनान के साथ मौजूद थे, माशाल्लाह कल इन्होंने बहुत अच्छी लीड से जो है ना वोटिंग दी है, और बहुत अच्छी लीड से ये लोग आगे जा रहे थे रात तक, लेकिन रात के बाद ऐसा क्या हुआ कि इनकी जो लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, वोटिंग कम होगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा लीडर जो है दिलेर लीडर है, ना डर लीडर है, उस जैसा लीडर पाकिस्तान में ना होगा ना आएगा इंशाल्लाह। जो रात 12 बजे इलेक्शन कमिश्नर बगैर प्रोटोकॉल अपनी गाड़ी लेके इनके कहने के ऊपर इनके ऑफिस में गया है, वहाँ जाके उसने रिज़ल्ट को रुकवाया है, उसके बाद ये दोनों बाप बेटी उसके साथ मीटिंग की है इन्होंने, और हमारे जितने कैंडिडेट ऑल टू ऑल कैंडिडेट हमारे जीत रहे थे, इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किया है, और उसके ऊपर सुबह 2 बजे के बाद इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किए हैं, और
हमारे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं इन्होंने कह दिया कि वो हार गए हैं। ये हमारे वोटर की भी तोहीन है, इमरान खान के वोटर की भी तोहीन है। इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो अपने किरदार के ऊपर कुछ ना कुछ नज़रअसानी करे, वरना इस्तीफा दे के घर चला जाए। व्यूअर्स, अभी आपने देखा हम लोग पीटीआई के कारकुनान के साथ मौजूद थे, जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूं। कल बगैर खान के, बगैर बल्ले के निशान के वोटिंग हुई, वोट कास्ट किया था, कैसा लगा? ठीक लगा बेटी बेटी, मगर उन्होंने थोड़ी सी धांधली कर दी, वोटिंग सही नहीं आई मेरी बेटी इनकी। वोटिंग सही नहीं, पहले सही आई थी इनकी वोटिंग, उसके बाद में उन्होंने थोड़ी धांधली कर दी। धांधली कर दी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा हम लोग पीटीए के कुछ कारकुनान के साथ मौजूद थे, जिन्होंने बगैर खान के, बगैर बल्ले के निशान के, आज़ाद उम्मीदवार के तरीके से बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग इन्होंने की है, बहुत अच्छे जो है इन्होंने वोट्स दिए। रात तक बिल्कुल ठीक जा रहा था सारा काम, लेकिन सुबह के बाद जो है वो पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनकी जो रेटिंग है वो कम होने लगी, वोटिंग कम होने लगी, रिजल्ट रोक दिए गए। आवाम का जो कहना था आपने देखा कि व्यूअर्स, आप लोगों को भी लगता है कि क्या ऐसा हो रहा है, रिजल्ट क्यों रोके जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।